गर्मी बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गई है और इस भरी भरी गर्मी में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एकदम ठंडक देने वाली, ताजगी देने वाली कोल्ड कोको की रेसिपी, जो घर पे हम बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और ये वाली रेसिपी बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कोल्ड कोको की रेसिपी। सो मैं यहाँ पे एक कप कोल्ड कोको बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने कढ़ाई में एक कप दूध डाल दिया है। आप जितना बनाना चाहते हो उस हिसाब से नाप के आप दूध ले लीजिए जी। तो इस दूध को हमें अच्छी तरह से उबालना है। लगभग 5 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पर उबालेंगे और इस दूध को हमें इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये जो हमारा दूध है वो नीचे बैठ ना जाए। ये जो हमारा दूध उबल रहा है, हमें एक बैटर रेडी करना है। चलिए हम वो बैटर रेडी कर लेते हैं। तो एक कटोरी में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर लिए है और 2 चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप वो भी ले लीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे उसको स्किप कर दिया है। उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसमें मैं 1/2 कप ठंडा दूध डाल रही हूँ। दूध हमें ठंडा ही लेना है ताकि ये जो हमारा बैटर है वो एकदम स्मूथ बन के रेडी हो, उसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसको हमें बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये बैटर हमारा रेडी है। अभी इस उबलते हुए दूध में मैं डाल रही हूँ चीनी। तो 1 कप दूध में मैं यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप जितना मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से चीनी डाल दीजिए जी। और इसको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है और अभी लगभग 2 मिनट तक और हम इसको पकाएंगे। और अभी इस उबलते हुए दूध में हम इस बैटर को ऐड कर देंगे। तो इस पूरे बैटर को हमें एक साथ नहीं डाल देना है, इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो इस चम्मच में मैं थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में इस बैटर को ऐड कर दूंगी। तो ये पूरा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है और हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना रहे, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो दूध में लम्स पड़ सकते हैं। तो इसको हमें चलाते ही रहना है और इस तरह से अच्छे से हमें और इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। अब इस उबलते हुए दूध में मैं 3 से 4 बूंद चॉकलेट एसेंस के डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। और एसेंस आपके पास नहीं है तो आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है तो आप कॉफ़ी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी लिया था जिसमें 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी डाल दी है। अब इसको मैं इस उबलते हुए दूध में डाल दूंगी इस तरह से और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फाइनली ये हमारा जो दूध है वो गाढ़ा दिख रहा है। तो बस अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा होगा। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी ट्रे ले ली है और इसको कॉटन के कपड़े में इस तरह से डाल के इसके टुकड़े कर रही हूँ। सो ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। अब इस टुकड़ों को हमें इस गिलास में डाल देना है। और ये जो हमारा दूध है वो भी एकदम ठंडा हो गया है, तो इसको हम इस जार में डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से घुमाना है ताकि इसमें एक अच्छा झाग आ जाए। और
जरूर अभी हम इस दूध को इस गिलास में डाल देंगे। सो फाइनली ये हमारा कोल्ड कोको वाला ठंडा ठंडा ड्रिंक बनके रेडी है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा झाग भी आ गया है इसमें और काफ़ी गाढ़ा भी दिख रहा है। सो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, और आप चाहे तो इसको इस तरह से हल्का सा डेकोरेट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चोको सिरप से इसको इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। सो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।